मैं भक्ति हूँ, भक्त को भगवान के द्वार तक पहुँचाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। माता शक्ति से प्राप्त दिव्य उपटन का प्रयोग करते करते भाव विभोर देवी पार्वती पालक स्वर सुनकर रोमांचित हो जाती हैं। माँ की रचना से पुत्र को आकार प्राप्त होता है। माँ की आज्ञा का सम्मान करते पुत्र श्री गणेश द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो जाते हैं। सावधान, यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं, तो एक पग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदि देव हो, परम देव हो, अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हठी बालक, व्यर्थ का हट न कर। क्यों न करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक। मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता, अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे, तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर, क्या पूछते हैं आप? मेरी माता आखिर ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश, किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है, तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात? अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे। मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाए, मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हठी बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा। अन्यथा क्या, युद्ध करेंगे तो आ जा रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण यह है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक। नहीं नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या? क्या सोच रहे हैं, शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे, उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की। Ooh.
गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, गौरी पुत्र, गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके, जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है, उसे देवी पार्वती के स्नान ग्रह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो 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 शिव आगे का पालन करें। चलो 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 चलो। माता ने तो मुझे बताया नहीं कि महादेव ही इस कैलाश के स्वामी हैं, परंतु बताया भी होता तो मैं उन्हें स्नान ग्रह कैसे जाने देता? मुझे तो समझ में नहीं आता कि विचित्र वेशधारी कैलाशपति मेरी माता की आज्ञा मानने को प्रस्तुत क्यों नहीं। अरे ना माने, अब तो वे लौट गए, अब उनकी चिंता क्यों करूं? माता के दिए हुए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाता हूं। यदि तुमने माता के कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। बालक तो उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उस पर इस दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की? बातें तो बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं, हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से? अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, स्वामी का आदेश जो है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि स्वामी का आदेश जो है। अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे, आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं।
इतना बड़ा शरीर, ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है। आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खो हंसते क्या हो, पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। समान कठोर है भोलेनाथ, उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी। वो हमें पीटने किसी भी क्षण यहाँ भी आ सकता है प्रभु। उसे रोके भोलेनाथ, रोके शिव शंकर, रोके। आपका यहाँ पुनः
पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक, तूने शिवांश से जन्म नंदी और हमारे प्रिय शिव गणों को अकारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे, महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिव गणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिव गण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताए कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है ये सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना? 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हटी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति, भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता ना पाए किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है, मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो मेरे प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक। यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग।